बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक खूबसूरत बंगलों का डिजाइन लेके आया हूँ जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है। इस बंगलों का साइज 36 फीट बाई 80 फीट है। आमतौर पर ज्यादातर बंगलो 40 फीट बाई 80 फीट में बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी ही स्पेस थी जिसमें मैंने इसकी सेटिंग की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मेन गेट से इंटर होते ही ड्राइववे दिया गया है जो कि कारपोर्ट्स की जानब जाता है। कारपोर्ट्स का साइज 16 फीट बाई 20 फीट है। काफी खुला कार पोर्च है जिसमें डबल गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। ड्राइववे की लेफ्ट जाने लॉन दिया गया है। लॉन का साइज 20 फीट है जबकि लॉन की विड्थ 12 फीट 9 इंच है। लॉन में काफी खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं जो कि घर की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। कार पोर्च से ही एक डोर ड्राइंग रूम के लिए दिया गया है। ड्राइंग रूम का साइज 12 फीट बाई 14 फीट है जिसमें मैंने अपने हिसाब से सोफे लगाए हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर में वार्डरोब दी गई है। ड्राइंग रूम का एक डोर स्टेयर लॉबी की जानब भी दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। कारपोर्ट से ही घर की मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस से दाखिल होते ही स्टेयर लॉबी है। स्टेयर की विड्थ 4 फीट है। काफी खुली स्टेयर्स बनाई गई हैं। स्टेयर से चलते हैं हम टीवी लाउंज की जानेब। टीवी लाउंज का साइज 19 फीट बाई 14 फीट है जिसमें मैंने अपने हिसाब से सोफों की सेटिंग की है, लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें सोफे कैच सेट कर सकते हैं। टीवी लाउंज में राइट जाने आपको टीवी दिखाई दे रहा है जिसके लिए प्रॉपर स्पेस बनाई गई है। टीवी लाउंज से ही स्टडी रूम दिया गया है। स्टडी रूम का साइज 12 फीट बाई 10 फीट है जिसमें एल्यूमिनियम का ग्लास डोर लगाया गया है। लाउंज से ही चलते हैं पहले बेडरूम की जानेब जिसका साइज 11 फीट बाई 13 फीट है जिसके साथ अटैच बाथरूम है। बाथरूम का साइज 9 फीट बाई 5 फीट है। काफी खुला बाथ है। अब चलते हैं हम किचन की जानब। किचन का डोर लाउंज की जानब है। किचन का साइज 11 फीट बाई 10 फीट है। काफी खुला किचन है जैसा कि आप देख सकते हैं। साउंड से हम चलते हैं अब दूसरे बेड की जानेब। दूसरे बेडरूम का साइज 12 फीट बाई 14 फीट है जिसके साथ अटैच बाथरूम और ड्रेसिंग है। बाथ का साइज 7 फीट बाई 5 फीट है जिसकी वेंटिलेशन के लिए बैक की जानेब वेंटिलेटर लगाया गया है। बेडरूम की एक खिड़की बरामदे की जानब लगाई गई है ताकि घर रोशन और हवादार रहे। टीवी लाउंज से ही एक
पीछे की जानब डोर लगाया गया है जो कि बाहर बरामदे में खुलता है। बरामदे की विड्थ 8 फीट है जिसमें मैंने डाइनिंग टेबल सेट किया हुआ है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बरामदे से बाहर की जानब बैक लॉन है। लॉन का साइज 19 फीट जबकि लॉन की विड्थ 10 फीट 9 इंच है जिसमें काफी खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं। लॉन से ही एक गोल स्टेयर चढ़ाई गई है जो कि फर्स्ट फ्लोर की जानब जाती है। लॉन से ही लेफ्ट साइड पे कुछ एरिया ओपन दिखाई दे रहा है जिसका साइज 4 फीट 4.5 इंच है। घर को हवादार और रोशन रखने के लिए घर की राइट जानब 3 फीट 4.5 इंच का पैसेज दिया गया है जो कि कवर्ड है जैसा कि आप देख सकते हैं। घर की विड्थ 36 फीट और लेंथ 80 फीट है। दिखने में ये घर काफी लग्जरी दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में कर सकते हैं। अब चलते हैं डोर्स और विंडोज की जानब। B1 का साइज 4 फीट बाई 8 फीट है जबकि D2 का साइज 3.5 फीट बाई 7 फीट है। D3 का साइज 3 फीट बाई 7 फीट है जबकि D4 का साइज 2.5 फीट बाई 7 फीट है। W7 का साइज 3 फीट बाई 1.5 फीट है जो कि वेंटिलेटर के तौर पर बाथरूम में लगाया गया है। W3 का साइज 6 फीट बाई 6 फीट है जबकि W2 का साइज 8 फीट बाई 6 फीट है। अगर आपको ये घर पसंद आया है और इसके बारे में आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे रابطہ कर सकते हैं। अगर किसी भाई को ये प्लान PDF फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी मुझसे कमेंट्स में रابطہ कर सकता है। लेकिन अगर किसी दोस्त को इस घर का फर्स्ट फ्लोर का प्लान चाहिए तो वो मुझसे ईमेल में रابطہ कर सकता है।